सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं आपका दोस्त सुमन वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि गाइस जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे। जो भी लोग सेकंड हैंड गाड़ी लेने का सोचते हैं, सेकंड हैंड टेम्पो, या ज्यादातर तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो जिनके पास एक टेम्पो है, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और आपको एक नॉलेजेबल बात बताना चाहता हूं, जो कि आप आगे चल के आप गलती नहीं करोगे, तो आपका पैसा भी बचेगा और आपका जो भी लॉस होना है वो बच जाएगा। तो वीडियो ध्यान से देखिए स्टार्ट से लेके एंड तक, ताकि आपको जो मैं बातें बताने वाला हूँ वो आप पूरी तरीके से समझ जाए। तो चलिए गाइस, तो बिना किसी टाइम पास के मैं वीडियो शुरू करता हूँ। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो, ताकि आने वाली सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले कि आप अगर गाड़ी लेके, आप अगर एक टेम्पो लेके आपका बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि भाई सेकंड हैंड गाड़ी ले या फिर नई शोरूम गाड़ी ले, इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस और दूसरी एक चीज जो कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं कि सेकंड हैंड गाड़ी के पीछे आपका कितना लॉस होगा और नई गाड़ी के पीछे आपका कितना लॉस होगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप एक नई गाड़ी लेने वाले हो, जो कि अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, या तो फिर एक टाटा एस चूज करोगे या फिर कैरी, जो कि मिनी ट्रक बेसिस में आप छोटी से छोटी गाड़ी आप ले सकते हो, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। मान लो अगर कोई सोच रहा है कि मैं पिकअप ले लूं या फिर कोई बड़ी गाड़ी लेते हैं पिकअप सेगमेंट के भी आगे, तो मैं आपको बता दूं गाइस, अगर आप ये सोच रहे हो कि बड़ी गाड़ी लेके मैं धंधा स्टार्ट करूंगा और मुझे ऑनलाइन कंपनी मुझे धंधा देगी या फिर मैं किधर से किधर से धंधा ले लूंगा, जबकि आपको ट्रांसपोर्ट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर आप एक ट्रांसपोर्ट में एक कोई भी टेम्पो लेके अगर आप चालू करना सोच रहे हो, तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि गाइस अगर आपका ये धंधे का अगर नॉलेज नहीं है, ट्रांसपोर्ट धंधे का अगर आपका कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप अगर नई गाड़ी लेके सिर्फ ऑनलाइन कंपनियों पे डिपेंड रहोगे, तो आपका सबसे बड़ी गलती आप इधर ही करते हो। रही बात गाइस गाड़ी लेने के लिए, तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप ऐसी गाड़ी परचेस कर लो जो कि आप अगर ऑनलाइन कंपनी के साथ भी अगर स्टार्ट करते हो तो आपका लॉस नहीं होगा, होगा भी तो कम लॉस होगा, जिससे आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे आप अच्छी खासी अर्निंग करके आप अपना ईएमआई और अपना घर खर्चा भी चला सकते हो, गाड़ी का खर्चा भी चला सकते हो। तो गाइज मैं आपको बता दूं, बेटर रहेगा आपके लिए या फिर आप चाहिए तो एक तो सीएनजी या फिर डीजल सेगमेंट में कोई भी थ्री व्हीलर परचेस कर लो, या अगर आपको कोई ट्रांसपोर्ट का नॉलेज नहीं है तो उसके बाद अगर गाइज आपको थोड़ा सा भी ट्रांसपोर्ट का नॉलेज है, आपकी किधर कोई आपका कोई प्राइवेट कस्टमर है जिसके पास आपकी पहचान है, तो आप अगर आप पहले आपके पास अगर थ्री व्हीलर आप रखे हो, आपके पास थ्री व्हीलर है, तो आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो आप ले सकते हो जीतो या फिर टाटा एस या फिर कैरी, ये मिनी ट्रक सेगमेंट की गाड़ी आप कोई भी परचेस कर लो, क्योंकि गाइज उसका जो माइलेज है, उसका जो मेंटेनेंस है, वो आपके नए बिजनेस के लिए या फिर नए गाड़ी में कन्वर्ट होने के बाद आपको परवर्डेबल रहेगा। क्योंकि गाइज उन गाड़ियों का मेंटेनेंस जो कि मैं आपको बता दूं, टाटा का जो टाटा एस है उसका मेंटेनेंस और महिंद्रा का जो जीतो है उसका मेंटेनेंस जो कि कम लेवल में आता है, जो कि आपकी जो अर्निंग रहेगी ऑनलाइन कंपनी के, उसमें आपका जो भी आपका मेंटेनेंस है वो पूरा हो जाएगा। बट गाइज अगर आप सोच रहे हो, ये हो गई नई गाड़ियों के बाद, आप ये गाड़ियां लेके आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बट पूरी तरीके से अगर आप इन गाड़ियों के साथ भी अगर ऑनलाइन कंपनियों पे डिपेंड रहोगे, तो आपका तो भाई ज्यादा दिन आप टिकोगे नहीं और आपका फाइनेंस का बाउंसिंग हो जाएगा, आप ज्यादा कर्जे में डूब सकते हो अगर आपकी नई गाड़ी है तो। उसके बाद मैं आपको गाइस बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपको मैं दोनों गाड़ियों का एग्जांपल दूंगा और आपको दोनों गाड़ियों में जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस जब आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने को जाते हो, कोई भी सेकंड हैंड गाड़ी आप परचेस करने के लिए सोच रहे हो, आप किसी दोस्त का गाड़ी ले रहे हो, उसका ईएमआई अगर आप यूज करने के ले रहे हो, तो आप उधर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तो बोलता हूं दोस्तों, अगर आप ऐसी कोई डील कर रहे हो तो ये करो ही मत, ऐसी कोई गाड़ी किसी दोस्त की आप परचेस कर रहे हो जिसको बोल के कि भाई मैं आपका ईएमआई यूज करूंगा, जो कि आपका इंस्टॉलमेंट है वो मुझे यूज करने को दे दो, और आप उसको बोल देते हो कि जो आपका डाउन पेमेंट लगा है वो मैं आपको पेड कर दूंगा, भले ही दोस्तों वो 2 साल यूज करे या फिर 1 साल यूज करे या फिर 2.5 साल यूज करे, तो उस टाइम पे ज्यादा उसको मार्जिन मिलेगा नहीं, क्योंकि उसने 2-2.5 साल उसकी यूज कर रखी है। बट आप लॉस किधर जाते हो मैं आपको बता देता हूं गाइस, जब भी आप 50-60 हज़ार रुपए जो उसका डाउन पेमेंट रहता है, अगर आप उसको वो दे देते हो, उसके बाद आपको गाड़ी का बाकी का जो ईएमआई वो आपको भरना पड़ता है। बट आप ये सोच लो कि आपको जो गाड़ी मिली है वो 2-2.5 साल आपको यूज करी हुई मिली है, बट उसमें जो क्या कमी है, जो क्या खराबी है, आपका दोस्त पूरी तरीके से आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है, उसको अगर पैसे की जरूरत है तो आपको नहीं बताएगा, बट आपका कोई क्लोज दोस्त है तो बताएगा, बट उसको आप रिपेयर भी करके चलाओगे तो क्या फायदा कि जो सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली वो आपको 1 साल या फिर 1.5 साल काम नहीं निकालेगी। बट गाइज मैं आपको श्योरिटी बता देता हूँ, अगर कोई आप नई गाड़ी परचेस कर रहे हो तो आपको उसमें श्योरिटी रहती है कि भाई ये गाड़ी लगभग 2 साल तो या फिर 1.5 या 2 साल तो काम नहीं निकालेंगी, इसलिए आप उसको निश्चिंत होकर किधर भी लेके जाके
किधर भी चला सकते हैं। दूसरी एक चीज, सेकेंड हैंड गाड़ी का भरोसा नहीं, किधर भी कुछ भी काम निकल सकती जो कि आपको पता भी नहीं रहेगा। बट जो आप शोरूम गाड़ी परचेस करते हो तो आपको हर उसकी जो मेंटेनेंस है वो आप ट्रैक करते हो, कब आपने क्या काम किया था और आपको आगे जाके कितने किलोमीटर पे क्या काम करवाना है, तो आपके सब माइंड में रहता है या फिर आप उसको ट्रैक करके भी रख सकते हो। तो सबसे बड़ी बात जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला था, अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेते हो तो ऐसी गलत डील मत करो, या फिर आप तो जाके सीधा जाके अगर आपके पास 50-60 या फिर 70,000 रुपए तो आप जाके नई गाड़ी परचेस कर सकते हो जो कि शोरूम रहेगी और आपको उसके ऊपर पूरे तरीके से ट्रस्ट रहेगा कि भाई मेरी गाड़ी नई है, कुछ हो भी जाए तो वारंटी में कुछ क्लेम कर सकते हो। बट अगर कुछ गलत हो जाए तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी में वापस उसको बोल नहीं सकते, आपका व्यवहार खराब हो जाएगा और वो बंदा बोलेगा भाई मैंने तुझे गाड़ी चालू दी थी तो तू अब तू भी मेरे को गाड़ी चालू दे दे, तो उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपका जो पैसा गया वो भी चला जाएगा, गाड़ी भी हाथ से चली जाएगी। बट अगर आप कोई नई गाड़ी परचेस करते हो तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि आप शोरूम वालों या फिर कंपनी को क्लेम करके आप उनके ऊपर लीगली एक्शन ले सकते हो। बट आप अगर एक सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस करते हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाइस जो जैसे कि मैंने आपको बताया नई गाड़ी में और सेकेंड हैंड गाड़ी में क्या डिफरेंस है और आपका क्या लॉस होगा, हो सकता है या फिर लॉस कौन सी गाड़ी में ज्यादा होगा, मैंने जो आप उपनियम आपको जो शेयर किया कि आप अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो जाके आप नई गाड़ी परचेस कर लो जो कि आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगी। बट गाइस उसमें मैं आपको आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके जो भी क्वेश्चंस रहेगी, कौन सी गाड़ी ले, कौन सी गाड़ी आपको परवड़ेगी आप, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूं सबसे पहले जरूरी चीज है, मैंने शुरू में ही कहा था कि आप अगर सोच रहे हो कि आपको नॉलेज नहीं है और ट्रांसपोर्ट धंधे में घुसना चाहते हो या फिर ट्रांसपोर्ट धंधा शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया। बट गाइस मैं आपको अंत में बताना चाहूंगा, जितने भी लोग नई गाड़ी लेने के सोच रहे हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उनके टॉपिक के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको जो भी पॉजिटिव सजेशन रहेगा मैं देने की कोशिश करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस तो आपका जो भी क्वेश्चन है नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए बिंदास से, और अगर आपको गाइस ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक भी करके जाइएगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वो जो रेड कलर का बटन उसको दबाइए और उसके बाद जो मैं जो घंटे का बटन उसको ऑल पे जरूर सेट करो, क्योंकि इसके बाद जो भी मैं आपको वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए गाइस तो मिलते हैं किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, सो अगर अभी तक आपने वीडियो देखा था दिल से धन्यवाद, तो मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।